फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में फिर से। आज मैं आपको अपना तुलसा जी का प्लांट है वो दूसरे गमले में शिफ्ट करने पर बता दूंगी कैसे शिफ्ट करें, इसको कैसे दूसरे गमले में आप रखें। देखिए, ये ठंड के कारण ऐसे पत्ते ऐसे वाइट वाइट हो गए, इसमें डॉट डॉट वाइट वाइट ऐसे ओले पड़ गए हैं, इसलिए आपको इसको ठंड से बचाना है और इसको ऐसी जगह पर रखें कि वहाँ ज़्यादा ऊपर से ठंड नहीं लगती। ऊपर से जो खुला है ना वहाँ नहीं रखना है, छत के नीचे रखना है इसको और अच्छा है आपका प्लांट होगा। ये मेरा सीड से ग्रो हो गया था, आज मैं इसको रिपोर्ट करूँगी। देखिए, मिट्टी ऐसे बनानी है इसकी। इसमें मैंने थोड़ी गोबर की खाद और ये देखो सरसों खलियों बची है ना, उसका लिक्विड बनाया था उसको मैंने सुखा ली थी, तो इसको हम इसमें डाल देंगे। इसको थोड़ा निकाल देंगे, हम इसको शिफ्ट कर देंगे, प्लांट अच्छा चलेगा। और उसको धूप में रख के दो दिन तो शेड में रखेंगे रिपोर्ट करने के बाद, फिर इसको धूप में रख के ऐसे अच्छे अच्छे प्लांट हो जाएंगे। देखिए मेरा तुलसा जी का प्लांट कितना अच्छा चल रहा है। देखिए, ठंड में भी मैंने बहुत केयर की इसकी, पानी से नहला देती हूँ, ऐसे पाले पड़ जाते नहीं तो उसको पानी से नहलाना है। बहुत ठंडा पानी नहीं, थोड़ा गर्म आता है नहीं बोर का, इससे इसको मैं इसे नहला देती हूँ। देखो ये भी देखिए मेरे तुलसा जी का, ये देखिए आप उसकी मदद से हम इसमें से निकाल लेंगे। देखिए, इसकी रूट बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं तो आपका प्लांट नहीं चलेगा। तुलसा जी में ऐसे जरा जरा भी रूट डिस्टर्ब हो गई तो क्या प्लांट नहीं चलेगा आपका। निकाल देंगे और पूरा ऐसे ही बिठा देंगे, इसमें जरा भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए इसका रूट्स, वरना ये नीचे से उसमें लगा देंगे, प्लांट अच्छा चलने लगा है। देखिए, पानी दे देंगे इसको और ये हो गया। देखिए, नए नए पत्ते आने लगेंगे और इसकी चमक भी अच्छी हो जाएगी, ग्रीन हो जाएगी। ये फ्रेश पत्ता थोड़ा थोड़ा ही ऐसे इसलिए ठंड है, इसलिए इसको थोड़ी धूप मिलेगी तो कोई तो भी कोई कुछ बने इसको प्रॉब्लम नहीं, कोई थोड़ी धूप मिलेगी। ये
अपना बन तैयार हो गया। देखिए हमारा ये पोट तैयार हो गया है, इसमें मैंने तुलसा जी का प्लांट लगा दिया, देखिए इस तरह। अब थोड़े दिन बाद में देखाऊंगी आपको कितनी अच्छी ग्रोथ, इससे डबल हो और पत्ते भी अच्छे हो जाएंगे, और इसको सेट में दो दिन रखेंगे हम। ओके फ्रेंड्स, बाय। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।